नमस्कार दोस्तों, चलिए आज देख लेते हैं फतेहपुर सीकरी का कहानी। 1571 में अकबर ने अपना सपनों का नगरी फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। वहीं सलीम चिश्ती का मकबरा, जामा मस्जिद, इबादत खाना, मरियम पैलेस, पंचमहल इत्यादि का निर्माण भी करवाया। बाद में गुजरात विजय का स्मृति पे जामा मस्जिद का सामने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इबादत खाना, मरियम पैलेस, पंचमहल और मती मस्जिद, इनमें से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो आंसर होगा मती मस्जिद। पंचमहल को बुद्धिस्ट विहार का डिज़ाइन में बनाया गया था। इबादत खाना यानी हाउस ऑफ वर्शिप, यहाँ रिलीजियस डिस्कशन होता था और दिन ई इलाही का नींव यहीं रखा गया। जामा मस्जिद का मतलब था फ्राइडे मॉस्क। इंडिया में टोटल 11 जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद का मतलब है फ्राइडे मॉस्क। इंडिया में टोटल 11 जामा मस्जिद है। फतेहपुर सीकरी जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी का जो जामा मस्जिद है वो किसने बनाया? वो अकबर ने बनाया। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनाया? वो शाहजहां के समय में जहानारा के देखरेख में बनी। तो ऑप्शन में शाहजहां या जहानारा कोई भी देता है। सलीम चिश्ती से अकबर काफ़ी प्रभावित थे। अकबर का मानना था कि शेख सलीम चिश्ती का दुआ से जहांगीर का जन्म हुआ, तो अकबर जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा और सलीम कहके पुकारते थे। क्या हुआ अचानक जो अकबर को अपना राजधानी हटाना पड़ा और नया राजधानी बनाया तो कहाँ बनाया? माना जाता है कि पानी की गंभीर समस्या के कारण 1585 में अकबर को अपना राजधानी खाली करना पड़ा और उनका नया राजधानी बना लाहौर। 1562 में उन्होंने दास प्रथा का एबोल्यूशन करवाया। तो क्या होता था ये दास प्रथा? दास प्रथा था, युद्धों में हारे गए कैदियों को गुलाम बनाया जाता था और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था और बहुत सारे टॉर्चर किया जाता था। ये था दास प्रथा। इसका एबोल्यूशन कराया 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर जो देना पड़ता था उसको भी एबोल्यूशन करवाया। 1564 जजिया टैक्स, उसको हटाया। जजिया टैक्स क्या था? नॉन मुस्लिम्स को अपना धर्म का प्रैक्टिस करने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था उसको भी हटा दिया अकबर ने। 1582 दीन ई इलाही धर्म का शुरू किया। महेश दास या बीरबल दीन ई इलाही धर्म ग्रहण करने वाले पहले व्यक्तियों में से थे। 1583 दिन ई इलाही एरा का शुरू हुआ। सूल ई कुल जो कि दिन ई इलाही का शुरुआती रूप माना जाता है। 1605 में पेचिस होने के कारण उसका मृत्यु हो गया और सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया। फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा दोनों आगरा के पास में ही है जो कि यूपी में है। सूली कुल का मतलब है पीसफुल एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नो डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन एंड रेस, सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिलीजियस टॉलरेंस, ये सब कुछ है सूली कुल का फीचर जो कि बाद में जाके दिन ई इलाही का रूप धारण करेगा। कुछ कॉन्टेम्पररी जैन स्कॉलर हरि विजय अकबर का समकालीन था। रानी दुर्गावती भी उनका समकालीन था और उनसे युद्ध भी लड़ा था। बदौनी ने मुंतखब उल तवारीख, निजामुद्दीन अहमद ने तवाकत ई अकबरी, तुलसीदास ने रामचरित मानस, ये सब किताबों का संरचना किया था। फर्स्ट इंग्लिश पर्सन जो अकबर के दरबार में आए थे उनका नाम था रॉल्फ फिंच। इस समय दाम को कॉपर कॉइन को दाम कहा जाता था और सरकार या सरकार का मतलब था डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए हैदराबाद में निजाम लोग रहता था। और यहाँ पे उनका नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट था
जिसको हम लोग नॉर्दर्न सिरकार के नाम से जानते हैं। सिरकार मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट हुआ तो नॉर्दर्न सिरकार मतलब नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट। किसका नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट? निजाम का नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट। तो नॉर्दर्न सिरकार का नाम मुगल का दिया हुआ था, यहीं से नॉर्दर्न सिरकार का नाम आया। रानी दुर्गावती जो था वो क्वीन ऑफ रानी दुर्गावती जो था वो क्वीन ऑफ गोंडवाना था, ठीक है। 1550 से 1564 तक अपना राज संभाला। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सरकारी नौकरी से रिलेटेड ऐसे ही अपडेटेड क्वेश्चंस पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।